मुकेश कुमार सिंह, नौसेना दस्ते की कमान संभाली है लेफ्टिनेंट कमांडर हरप्रीत मान ने, और वायुसेना कंटिंजेंट को लीड कर रहे हैं स्क्वाड्रन लीडर श्रेया चौधरी। दिल्ली पुलिस के दस्ते की कमान संभाली है एडिशनल डीसीपी शशांक जायसवाल ने। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ध्वजारोहण करेंगे और राष्ट्रीय ध्वज गार्ड द्वारा राष्ट्रीय झंडे को सलामी दी जाएगी। 21 तोपों की सलामी, 8711 फील्ड बैटरी, जिसकी कमान लेफ्टिनेंट कर्नल विकास कुमार संभाल रहे हैं, और गन पोजीशन ऑफिसर हैं नायब सूबेदार अनूप सिंह। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन लाल किले की प्राचीर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रीचिंग द टॉप लेवल ऑफ द रैम्पार्ट्स टू एड्रेस द नेशन। पहले ध्वजारोहण, राष्ट्रीय सलाम, सलामत राष्ट्र। भारतीय वायुसेना के दो उन्नत हेलीकॉप्टर मार्क III पुष्प वर्षा के लिए उपस्थित होते हुए यहाँ ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर के ठीक सामने कुछ ही क्षणों में वो पहुँचेंगे और पुष्प वर्षा करेंगे यहाँ उपस्थित जन समूह के ऊपर। विंग कमांडर अंबर अग्रवाल और स्क्वाड्रन लीडर हिमांशु शर्मा इन दो हेलीकॉप्टर्स में उपस्थित, जिन्होंने हिंडन एयरबेस से उड़ान भरी है। उपस्थित जनसमूह आह्लादित है, प्रसन्न है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी स्वयं अभिवादन कर रहे हैं इन एयर वॉरियर्स का, इन जांबाजों का, जिन्होंने देश की वायुसेनाओं की रक्षा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और यहाँ स्वाधीनता दिवस समारोह को एक पुष्पित कलेवर प्रदान करते हुए। The ceremonial red and gold flower petals being showered from the air warriors up in the sky. And here, the national flag guard marching off, commanded by Major Abhinav Detha. And in a short while from now, the Prime Minister will address the nation.